केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? केजरीवाल के बारे में बढ़िया आदमी है, लूटो खाओ और मौज करो। पहले वो बोलते थे कि कांग्रेस ये है कांग्रेस वो है, वो उसी से हाथ मिला लिया उन्होंने हैं। और हमारे लिए उन्होंने देखो, हम कई बार गए उनके पास, वो कभी नहीं मिले हमसे। उन्होंने बोला कि भाई, मतलब उनके जो मंत्री हैं जो बोले हैं, वो हमसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। बोला नहीं नहीं आप जाओ बाहर प्रदर्शन करो बस। 15,000 हमारा तनख्वाह है, 50,000 के तो वो मोदी जूते पहनते हैं, तो हमारा क्या हेल्प करेगा वो? छुट्टी में केजरीवाल ने कैसा काम किया? अच्छा काम कर रहा, उसको काम करने नहीं दे रहा मोदी। अच्छा, उसको काम करने नहीं दे रहा। अब स्टेडियम में हमें बुलाया, रेडी वालों को चेक दे रहा, हमारे बारे में बात नहीं कर रहे। हम 12 बजे काम करके वहाँ पहुँचे, भूखे प्यासे बैठे रहे, 5 बजे उनकी एंट्री हुई है, उसके बाद में हमारी कोई बात ही नहीं करी कि मैं पक्का करूँगा। राहुल गांधी? अरे जीरो है। नीतीश कुमार? अरे सब नीतीश, सब ऐसे। ममता बनर्जी तो है, बस वही है बंगाल में। बंगाल नहीं है, बंगाल तक सीमित रहने वाली है क्या? बंगाल प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? अरे सपने देखे राहुल गांधी, बच्चा उसे पता नहीं पॉलिटिक्स के बारे में भी। देश मोदी के साथ है सारा, हम भी मोदी के साथ हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट तो आप सुन ही रहे होंगे। जी हाँ, हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है आपके सामने, और आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त बस में मौजूद हैं, जहाँ पर जनता का मूड क्या है आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए श्रेष्ठ भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हर एक अपडेट दे रही है। जनता से जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस वक्त देख सकते हैं कि बस की सवारी ले रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर पैसेंजर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव में अब की बार किसकी सरकार वो चाहती है, क्या चाहती है कि अब की बार किसकी सरकार बने। चलिए इधर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि बस हिल भी रही है, ब्रेक लग रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? बनी सिंह। क्या करते हैं आप? रेलवे नौकरी भाई। आपने सुनी लिया अभी मैंने क्या बोला? क्या लग रहा है माहौल, क्या है अब की बार? मोदी, मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों, क्या काम कर रही है ऐसा बीजेपी? अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर रहा है ऐसा, दो तीन काम बताइए जरा। बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ कर रही है। क्या नाम है आप? नाम रवि है। आप क्या काम करते हैं? मैं मार्शल में था दिल्ली सरकार में। अच्छा। जो हटा दिए हैं। आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने आपकी बार? जी सरकार तो देखो मोदी ने देश के लिए भी करा है, और वही है कांग्रेस में कोई ऐसा है नहीं जो। राहुल गांधी है तो सही है, मगर उसका क्या है देखो, वो तो बस ड्रामे करता रहता है। किसी पे? हाँ। क्या? किसी पे विश्वास नहीं है? राहुल गांधी पे विश्वास ही नहीं है? किसी पे विश्वास नहीं है? केजरीवाल, योगी और मोदी। मोदी क्या बोल रहे? मैं बोल रहा हूँ जैसे वो है कुछ काम अगर कराओ तो बताएं, वो तो है या तो यात्रा निकालते रहते हैं, जैसे वो भी है, वो भी फ्री पे चलने लग गए, जैसे कर्नाटका में फ्री कर दिया है लेडीज का, तो वो भी वही है सोचते हैं कि फ्री फ्री करें तो देश चल जाएगा। फ्री फ्री करने से देश थोड़ी चलेगा है, कुछ तो अच्छा काम करें जो वही चले कि भाई देश का आगे नाम बढ़े, तो वही है बस और क्या। और तो हम भाई केजरीवाल का है कि अब है, पहले वो बोलते थे कि कांग्रेस ये है कांग्रेस वो है, वो उसी से हाथ मिला लिया उन्होंने हैं। और हमारे लिए उन्होंने देखो, हम कई बार गए उनके पास, वो कभी नहीं मिले हमसे। योगी ने अच्छा काम किया है, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, कई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे आदमी पहुँच देगा। हाँ। कई चीज़ें हैं। क्या लग रहा है माहौल, क्या है आपकी बार, हवा कहाँ है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे मोदी जी? अच्छे हैं वो, हर घर काम करते हैं। कौन सा काम करा है आपको, जनता का क्या काम? राम जन्मभूमि का किए काम। मतलब अयोध्या वाले अंकल जी ने बता दिए तो वही बात रिपीट कर। मेरा भी घर वहीं पे है। अरे साथ में आए क्या दोनों? अयोध्या घर है मेरा। दिल्ली में काम के लिए आए? नहीं दिल्ली में तो थे, सिविल डिफेंस में थे, हट गए। अच्छा। मार्शल थे बस में, हट गए हम लोग। मोदी जी आएंगे मतलब? प्रधानमंत्री पद पे वही है? हाँ पक्का। 100%? हाँ 100%। क्या सोच रहे हैं? हाँ 100। क्या लग रहा है अब की बार, हवा कहाँ है चुनावों में? अब की बार तो यही है कि मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। तो खुश होके आप ये बात बोल रहे हैं, दुखी होके? नहीं हम तो खुशी होके बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगा हुआ है जो मोदी जी ने करा हुआ है, जो अच्छा लग रहा है हमें, तो इसीलिए हम तो मोदी को ही चुने हैं। क्या काम करा है ऐसा है? ऐसा काम क्या करा? काम तो देखो गरीबी को लिए तो बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, राशन है और सिलेंडर भी है और जो मकान भी बनवाए हैं, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। तो क्या ख्याल है आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्या सोचते हैं? देखो जी अरविंद केजरीवाल तो
हमने तो इन्हें देखा ही नहीं, दूसरे हमने मोदी जी को ही देखा है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करा था उसे। अच्छा, कोई टक्कर में है या नहीं है? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई टक्कर नहीं है। इधर बातचीत करते हैं जरा। क्या काम करते हैं? ऑटो चला था। क्या लग रही, क्या लग रहा है अब की बार? हवा कहाँ है? हवा का रुख देश के साथ है। किसके साथ है? देश के साथ। देश के साथ है। सरकार के बारे में क्या ख्याल है? मोदी मोदी, देश मोदी के साथ है सारा, हम भी मोदी के साथ हैं। मोदी है, मोदी जी आएंगे? मोदी जी पक्का 100%। 400 पार सही कर लेंगे? 400 पार नहीं, पूरा का पूरा हमारे विचार से। 400 बहुत कम माइंडेड है, कम है 400, हमारे हिसाब से तो पूरा का पूरा आना चाहिए। खैर 543 तो नहीं, बाकी 400 से तो अभाव रहेगा। क्यों रहेगा? क्या काम करा है ऐसा जनता के लिए? किस आधार पे जनता वोट करेगी? देखो, देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा इन्होंने किया है। बाकी ये मंदिर मस्जिद की ये तो राजनीति चलती रहती है, इनका कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी विकास किया है इन्होंने और विकास करते रहेंगे आएंगे तो। केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? केजरीवाल के बारे में बढ़िया आदमी है, लूटो खाओ और मौज करो। लूटो और खाओ जनता का। हाँ, और मौज करो। अच्छा, टक्कर में है मोदी जी के कोई? टक्कर में कौन दिख रहा है? राहुल गांधी, पप्पू जी है, और कौन है यार? प्रधानमंत्री तो बन ही सकता है फिर राहुल गांधी? हाँ, बना लो, आप बना सकते हो, हम तो बनाएंगे नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, ममता बनर्जी तो है? ममता बनर्जी एक एक प्रदेश में है, उसका वर्चस्व पश्चिम बंगाल के अलावा बताओ कहाँ वर्चस्व है उनका, वहाँ तक सीमित है वो। वहीं तक वहीं निपट रही है, देख नहीं रहे होगे आप पोजीशन। एमसीडी में हूँ। एमसीडी में केजरीवाल ने कैसा काम किया? अच्छा काम करा, उसको काम करने नहीं दे रहा मोदी। अच्छा, उसको काम करने नहीं दे रहा। अब स्टेडियम में हमें बुलाया, रेडी वालों को चेक दे रहा, हमारे बारे में बात नहीं करे। हम 12 बजे काम करके वहाँ पहुँचे, भूखे प्यासे बैठे रहे, 5 बजे उनकी एंट्री हुई है, उसके बाद में हमारी कोई बात ही नहीं करी कि मैं पक्का करूँगा या सैलरी बढ़ाऊँगा, कुछ नहीं बात करी। हमें मोदी नहीं चाहिए, दिल्ली में नहीं चाहिए। केजरीवाल ही आए? केजरीवाल ही आए। अच्छा, प्रधानमंत्री पद पे किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री के पद तो वो ही रहे, दिल्ली में केजरीवाल ही आएगा। लेकिन जेल से थोड़ी ना सरकार चलाएंगे केजरीवाल जी? 15 अप्रैल से भी जैसे भी चलेगी, जो भी चलेगी, यहाँ पे दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो केजरीवाल का ही होगा। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 15,000 में वो बेटी को पढ़ा भी लेगा, उसकी शादी भी कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा 15,000 में, घर का खर्चा भी चला लेगा वो। इनसे ये पूछो ना सरकार से, 15,000 में क्या कर लेगा वो, क्या कर लेगा 15, इतनी महंगाई में कोर्स भी करा देगा, उसे पढ़ा लिखा भी देगा और शादी के लिए पैसा भी जोड़ देगा, उसके लिए शादी क्या फ्री में हो जाएगी? क्या ख्याल है आपकी बार से? हवा कहाँ है देश में? किस चीज के लिए? इलेक्शन 24 में चुनाव है ना? किस पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए। मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, क्यों, क्या लग रहा है? अच्छा है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, अच्छी कानून व्यवस्था, सब चीज अच्छी है। कोई है टक्कर में उनके, राहुल गांधी केजरीवाल? राहुल गांधी बच्चा, उसे पता नहीं पॉलिटिक्स के बारे में भी। अच्छा, इसलिए देश में कोई दूसरा है ही नहीं अगर राज कर सके तो, देश के ऊपर नरेंद्र मोदी आएगा। मन बना लिया है? पहले से मन बना रखा, बिल्कुल स्टिक स्टेप लेता है और क्या है। अच्छा। कानून व्यवस्था अच्छा है यूपी में, जो काटते ठोकते हैं, जो गलत काम करते हैं स्टिक स्टेप लेते हैं, कोई डर बह नहीं, कुछ नहीं, गलत काम करते नहीं, अकेले रहते हैं, उतना ही कमाते हैं उतना ही खाते हैं, किसी से ना लेना ना देना। इसलिए नरेंद्र मोदी आएंगे हमारे तो, पूरे गाँव में पूरे यही उसी की वोट देते हैं सर। ठीक है, आप सो रही हैं और बोल रही थी कि दूसरा कोई सो रहा है, क्या लग रहा है, हवा कहाँ है आपका? मैं तो मजाक करी कि सो रहे हैं। जानती है मोदी जी को? जानती है? मैं नहीं कुछ जानती हूँ, मोदी जी कौन है या नहीं है। 15,000 तो हमारा तनख्वाह है, या 50,000 के तो उसका, 15,000 हमारा तनख्वाह है, 50,000 के तो वो मोदी जूते पहनते हैं, तो हमारा क्या हेल्प करेगा वो, हमारा क्या करेगा? हम कमाएंगे जब ये खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। गरीब का जीवन तो ऐसे कटेगा ना, अमीर तो नहीं है कि हम 10,00,000 बैंक में डाल दी तो उसका ब्याज आएगा, हम खा लेंगे ब्याज का पैसा, हमारे तो रोज का आमदनी है, रोज खाएंगे।
दिल्ली में तो आएंगे, केजरीवाल आएंगे, आम आदमी आएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, जरूर चलाएंगे इंशाल्लाह। जब प्रधानमंत्री पद पे किसको देखती हैं आप? मोदी जी नहीं तो फिर कौन? हमारे ये देखते हैं केजरीवाल देखते हैं। बन सकते हैं पीएम वो? बनेगा, जरूर बनेगा, आज ना कल तो आएंगे जेल से। जेल से तो आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बाल है, बच्चे है, बीबी है, मोदी के तरह थोड़ी ना खुला खजाना है कि चलो भाई जहाँ जाओ सो जाओ। उसको तो बीबी बाल बच्चा है, वो तो आएंगे, आ जाए कल आए जेल से तो आएंगे। बस जैसे उसके बीवी बाल बच्चा वैसे सबके देखते हैं पब्लिक के। चलिए देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो एकदम नज़दीक है और आप देख सकते हैं कि बस में हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और श्रेष्ठ भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है कि आखिर जनता का मूड क्या है, इलेक्शंस को लेकर जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बने, इस पर हमने बातचीत करने की कोशिश की है। अब आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।